तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पॉन्ज फिल्टर को कैसे साफ करते हैं। तो स्लोली स्लोली निकालेंगे एक्वेरियम में से। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो आप एक्वेरियम का पानी है उसी को यूज करिएगा साफ करने के लिए। ये है हमारा, एक मैंने खाली मग लिया और इसमें एक्वेरियम से निकाला हुआ पानी है। तो पहले इसके स्पॉन्ज को निकालते हैं। इसमें स्क्वीज करते हैं, फिर उसके बाद जो एक्वेरियम से निकाला हुआ पानी है उसमें डीप करेंगे। हल्का स्क्वीज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं जो आपके फिश के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो भी नहीं निकलने चाहिए। हल्का डिप करके, हल्का स्क्वीज करके फिर वापस लगा देंगे अपन जो भी स्पॉन्ज है। ये हमारा हो गया आपका स्पॉन्ज फिल्टर क्लीन। ठीक, उसके बाद जस्ट जो हमारा पाइप है उसके उसमें इंसर्ट करेंगे। इसकी माउथ पे पाइप इंसर्ट कर दिए लाइक दिस। इसके बाद इसके एक्सटेंशन को इसके पास लाएंगे। स्लोली स्लोली इसमें डिप कर देंगे। ये हो गया ऑन। अब ऑलमोस्ट आपको मिनिमम एक वीक तक ये स्पॉन्ज फिल्टर आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अप टू टू वीक्स आप जा सकते हैं विदाउट क्लीनिंग, बट अगर ज़्यादा लगे आपको डर्ट हो रहा है एक्वेरियम में, गंदा हो रहा है, तो आप रेगुलरली क्लीन कर सकते हैं इसको, बट विद द टैंक वाटर ऑब्वियसली।